अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने चन वर्गे व्यूवर्स, आपका किचन में खुशामदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए चिकन चीज़ रोल की ऐसी रेसिपी लाई हूँ, जब आप घर में बनाएंगे तो आप बाज़ार से मिलने वाले चीज़ रोल भूल जाएंगे। चिकन चीज़ रोल को बनाने के लिए आधा किलो चिकन, जिसकी मैंने कटिंग कर ली है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 4 टेबलस्पून दही, 1 कप चीज़ जिसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ है, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टेबलस्पून तिक्का बोटी मसाला, 1 टीस्पून खुश्क धनिया चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने रोल्स बनाने के लिए इसकी डो तैयार करनी है, और मैंने मैदे को 3 कप लिया और उसको मैंने अच्छे से छान लिया। अब मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच यीस्ट डाली है, साथ ही मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून खुश्क दूध, 2 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून नमक, 1 अंडा, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। पानी इसमें मैंने नीम गर्म इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी है। अच्छा, मैदे का भी हिसाब होता है, कई दफ़ा मैदा थोड़े पानी में भी गुन जाता है और कई दफ़ा मैदे में थोड़ा सा ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो जाता है। पानी आपने अपने हिसाब से लेना है। अच्छा जी, इसको आपने बहुत अच्छे से 5 से 10 मिनट तक आपने इसको गूँधना है। जितना आप मैदे को गूँधेंगे उतना ही आपकी जो डो है वो बहुत अच्छे से राइज होगी और आपके रोल्स बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेंगे। आपने मैदे को उतनी देर तक गूंदना है कि जब वो आपके हाथों को चिपके ना, तो समझे कि आपकी मैदे की डो रेडी हो गई है। मैदे की डो को रखने से पहले आपने बाउल को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब हमने इसके अंदर मैदे को रख देना है, आपने ऊपर से भी इसको ऑयल से ग्रीस करना है ताकि ये ड्राइनेस ना हो इसके ऊपर। अब हमने डो को माइक्रोवेव या अलमारी में राइस होने के लिए 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देना है। दूसरी तरफ हमने चिकन चीज़ रोल के मटेरियल को रेडी करने के लिए एक पैन ली है, इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और साथ ही मैंने कटिंग किया हुआ चिकन ऐड किया है और इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। जब आपको चिकन में से खुशबू आने लगे तो इसके बाद आपने प्याज को ऐड करना है। प्याज को हमने थोड़ा सा सोटे करना है और साथ ही हमने इसके अंदर मसाले ऐड कर देने हैं। चिकन चीज़ रोल बनाने के लिए जो सारा मेन किरदार है वो मटेरियल का होता है, और यकीन करें कि जब आप इसको बनाएंगे आप कहेंगे कि आप बाज़ार में कभी रोल्स ही ना खाएं, क्योंकि जो आप बाज़ार के रोल खाते हैं अगले दिन ही आपके गले ख़राब हो जाते हैं या आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून केचप के ऐड करने हैं और इसको अच्छे से भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर दही ऐड करना है, और दही जो पानी छोड़ेगा उसी पानी में जो हमारा चिकन होगा वो गल जाएगा। अब इसका जो फ्लेवर है बहुत ही, मैं आपको बता ही नहीं सकती, दही डालने से इसका फ्लेवर रिच हो जाएगा। दही डालने के बाद हमने इसको कवर करके रख देना है कम से कम 10 मिनट्स के लिए। उनके मटेरियल को पकते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं और हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब मैंने चिकन को इसी पैन में अच्छे से इसके पीसेस कर लेने हैं। चिकन के पीसेस करने के बाद अब हमने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। अच्छा, आप अगर इसी तरह चिकन को रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। अब जो ये मटेरियल है वो थोड़ा नॉर्मल हो गया, अब मैं इसके अंदर मायोनीज के 4 चम्मच ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने इसको। माशाल्लाह से डो हमारी राइज हो चुकी है और इसको कम अज़ कम 1.5 घंटा लगा है राइस होने में। अब हम इसको थोड़ा सा गूंदेंगे ताकि जो इसके अंदर एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अच्छा, मैं आपको ये एक टिप जरूर दूंगी कि अगर आप गूंदते हुए आपके हाथों से आटा चिपकता है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें, फिर आप जो मैदा है ना वो आपके हाथों से नहीं चिपकेगा। मैंने बेकिंग ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने अपने ओवन को 180 डिग्री पे 5 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब मैंने शेल्फ पे आटे का आटा डस्ट करके थोड़ा सा मैदे को अच्छे से गूंद लिया है, क्योंकि आप जितना मैदे को गूंदेंगे उतने ही आपके जो रोल हैं वो बहुत फ्लफ़ी बनेंगे। मैंने पूरे मैदे की ढो का पेड़ा बना लिया, इसको थोड़ा सा मैंने बेल के इसको मैंने नाइफ़ की मदद से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 4 पार्ट में डिवाइड करने से आपको पेड़ों की कटिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जो मैंने अपने रोल्स की साइज़ बनाए थे वो तकरीबन 18 जो हैं वो मेरे रोल्स इस आटे में से बन गए थे। अब मैंने इन सब का पेड़े बना के एक ट्रे में रख दिया है कवर करके। मैंने सारे पेड़े बना दिए हैं।
अब हम अपने रोल्स बनाने का काम शुरू करते हैं। अब मैंने एक पेड़ा लिया है, इसको मैंने लंबाई में बेलना है। ये देखिए मैंने इसको लंबाई में बेल लिया है। अब मैंने इसके अंदर चिकन को ऐड किया है। इसके बाद इसके ऊपर हमने चीज़ को डालना है। चीज़ से ये होगा कि जब आप रोल्स खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवर देंगे। अब आपने दोनों साइड को अच्छे से इसके ऊपर रखना है और इसको टर्न करके इसको फोल्ड कर लेना है अच्छे से, क्योंकि इससे ये होगा कि इससे आपकी चीज़ जो आगे से आपने दबा देना थोड़ा सा, इससे आपकी चीज़ और आपका मटेरियल बाहर नहीं आएगा जब ये राइज होगा और जब ये पकेगा। इस तरह रोल्स हमने सारे तैयार कर लिए हैं। और अब मैंने इसके ऊपर दो अंडों की जर्दी है जो ब्रश की मदद से मैंने इसके ऊपर लगा दी है, और फिर मैंने इसके ऊपर तिल स्प्रिंकल किए हैं। उससे इसके खाने का टेस्ट बहुत मज़े का आएगा और ख़ूबसूरती में भी इजाफा होगा। मेरा ओवन प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसे 180 डिग्री पे 25 मिनट्स के लिए रख दूँगी। रोल्स को पकते हुए 25 मिनट्स हो गए हैं और माशाल्लाह से हमारे रोल बिल्कुल रेडी हैं। इनके ऊपर मक्खन लगा रही हूँ ब्रश की मदद से। अच्छा, आप इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं। इससे ये होता है कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं और इनके ऊपर शाइन आ जाती है। अब मैं 5 मिनट के लिए इनको कवर करके रख दूँगी। अब इसे कवर करके रखे हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब ये रोल्स बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं आपको रोल को चेक करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए मेरे रोल कितने सॉफ्ट और कितने यमी लग रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।